जो सर हमारा परामर्श या काउंसलिंग जो के लिए जो सर उपस्थित काउंसलर आदरणीय प्रोफेसर किशोर चंद्र दलाई जी हमारे सामने सम्मुख उपस्थित हैं आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन है सर। आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मरुतः स्तुन्वन्ति सांगपदक्रमोपनिषदैः ध्यानमावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवव्रत तस्मै नमः देवाव्रत तस्मै नमः या तदा कश्मीरप्रतिवासिनी नमः प्रार्थये नित्यम् विद्या प्रति में। सर बहुत स्वागत। सर से करूंगा अपनी कक्षा आरंभ करें। प्रोफेसर श्री दलाई जी ओम श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। कार्यक्रम में उपस्थित आचार्यों को प्रणाम करते हुए आप सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज के पाठ्यक्रम को हम लोग यहीं शुरू करते हैं। कल हम लोग जो कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक तक पढ़ने वाले थे, नहीं पढ़ पाए समय के अभाव के कारण, आज वहीं से हमारी पढ़ाई शुरू होगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक ब्रह्मा संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद के 86 शाखाओं में से कुछ ही शाखाओं पर आरण्यक उपलब्ध है, यथा तैतिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। तो पहला है तैतिरीय आरण्यक। ये तैतिरीय आरण्यक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह तैतिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीय शाखा का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद है। प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक है। प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर किया गया है। 10 प्रपाठकों के नाम इस प्रकार है। पहला है भाद्र, दूसरा है सह वही, तीसरा है चीपी, चार है यजुते, और इसके बाद है देव वही, छठा है विद्या, आठ है ब्रह्म विद्या, और नौ है विदु, और दसवा है नारायणीय। प्रथम प्रपाठक भद्रम करने भी मंत्र से प्रारंभ हुआ है, अतः इस प्रपाठक का नाम भद्र है।
भद्रम करने भी इस मंत्र से प्रारंभ होने के कारण इस प्रपाठक का नाम पड़ा भद्र। इसी प्रकार अन्य प्रपाठकों के नाम है। इस आरण्यक के कुछ विशिष्ट संदर्भों का अवलोकन किया जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार। पहला है दो उपनिषदें, प्रपाठक 7 से 9 तैत्तिरीय उपनिषद है और प्रपाठक 10 महानारायणीय उपनिषद है। इस प्रकार दो उपनिषदों का इसमें अंतर्भाव है। इस दृष्टि से तैत्तिरीय आरण्यक केवल 6 प्रपाठक तक ही है। दूसरा है पंचमहायज्ञ, इसमें 5 महायज्ञों के दैनिक अनुष्ठान का निर्देश है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला है ब्रह्मयज्ञ, जिसको हम लोग कहते हैं संध्या वंदन। दूसरा है देव यज्ञ, जिसको कहा जाता है अग्निहोत्र। 3 है पितृयज्ञ, मातृ पितृ सेवा, इसे श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं। मनुष्य यज्ञ, जिसको कहते हैं अतिथि सत्कार। हमारे संस्कृति और सभ्यता में यही लिखा गया है, देवता अतिथि, अतिथि देवता के समान होते हैं। और 5वां है भूत यज्ञ, जिसको कहते हैं बलि वैश्य देव यज्ञ, पशु पक्षियों आदि को अन्नादि देना, इन्हें प्रतिदिन करने का निर्देश है। 5वां एते महायज्ञ सतती प्रतायन्ते। इसके बाद है स्वाध्याय, वेद मंत्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। यदि एक मंत्र का भी नियम से अध्ययन किया जाता है तो स्वाध्याय पूर्ण माना जाता है। इसके उपरांत है अभिचार प्रयोग। प्रपाठक 4 में शत्रु नाश के लिए अभिचार प्रयोगों का उल्लेख है, जैसे हिंदी, छिंदी, जही, पट आदि, ये सब अभिचार मंत्र। उसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। प्रपाठक 4 में कुरुक्षेत्र और खांडव वन का वर्णन है। निर्वचन जो है वो 6ठा है, उसके बारे में कहा गया है कुछ शब्दों के निर्वचन भी मिलते हैं, जैसे कश्यप का अर्थ सूर्य है, सर्वं पश्यति इति पश्यकः, यह सब को देखता है। वन व्यत्यय से पश्यक का कश्यप हो गया है। वन व्यत्यय से जो पश्यक था वो अपभ्रंश होकर कश्यप हो गया है। इसमें वर्णों का स्थान परिवर्तन हुआ है। पश्यक कश्यपो भवति। 7वां है व्यास मुनि। व्यास मुनि का पाराशर्य अर्थात पाराशर मुनि के पुत्र नाम से उल्लेख मिलता है।
और सूर्य नमस्कार का भी उल्लेख मिलता है। प्रपाठकों के अनुसार वर्ण्या प्रतिपाद्य विषय कुछ इस प्रकार है। प्रथम प्रपाठक, इसमें अरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना और तदर्थ इष्ट का चयन का वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक, इसमें स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन है। तृतीय प्रपाठक, इसमें चातुर्होत्र चीति से संबंध मंत्र है। चतुर्थ प्रपाठक, इसमें प्रवर्य होम से संबंध मंत्र है। पंचम प्रपाठक, इसमें यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत दिए गए हैं। षष्ठ प्रपाठक, इसमें पितृ यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसमें ऋग्वेद के भी मंत्र दिए गए हैं। सप्तम से नवम प्रपाठक पर्यंत यह तैतिरीय उपनिषद है। दसम प्रपाठक, यह महानारायणीय उपनिषद है। इसको खील कांड मानते हैं। इसके उपरांत मैत्रायणी आरण्यक है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है। इसको मैत्रायणीय उपनिषद भी कहते हैं। यह मैत्रायण संहिता के परिशिष्ट के रूप में अंत में उपलब्ध है। इसमें सात प्रपाठक है। प्रपाठक खंडों में विभक्त है। आरण्य के विशिष्ट प्रतिपाद्य प्रसंग कुछ इस प्रकार है। पहला है ओम का महत्व। ओम ही प्राण और उद्गीत है, वही ब्रह्मा है। ओम के द्वारा ब्रह्मा की उपासना करें। यह उद्गीत स प्रणव एतद् ब्रह्मा तस्मात् ओम इत्यनेन एतद् उपासितः। दूसरा है ब्रह्म के अनेक रूप। ब्रह्म ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र और चंद्रमा है। त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः त्वं अग्निर्वरुणो वायुः त्वं इन्द्रस्त्वं निशाकरः। इसके बाद आता है चारों वेद। ब्रह्म के निश्वास है। चारों वेद ब्रह्म के निश्वास है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेदों को ब्रह्म का निश्वास बताया गया है। एतस्य महतो भूतस्य निश्वसीतम् एतद् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगीगरसः। उसके बाद आता है चक्रवर्ती राजाओं के नाम। भारत के चक्रवर्ती 15 महाराजाओं के नाम दिए गए हैं।
इनका विवरण पहले दिया जा चुका है। उसके उपरांत आता है मन का महत्व। मन ही सारी बौद्धिक क्रियाओं का संचालक है। देखना सुनना आदि मन के कारण ही होता है। अतएव काम संकल्प विचिकित्सा अर्थात संदेह, श्रद्धा अश्रद्धा, धैर्य अधैर्य, घी री भी अर्थात भय, ये सब मन के ही स्वरूप है। ज्ञान के विघ्न, इसमें ज्ञान के विघ्नों की एक लंबी सूची दी गई है। इनमें से कुछ विघ्न यह है, जैसा कि मोह का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षा वृत्ति, शिल्पों में विशेष अभिरुचि, पाखंडों में रुचि, चाटुकारिता, अभिनय में रुचि, कुतर्क के प्रवृत्ति, इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब जादू दिखाना, आदि में रुचि। फिर आता है जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र। जीवात्मा अणु से भी अणु है, वह अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्रम अणुरोपी अणु। आठवा है चित्त शुद्धि से मोक्ष। चित्त या मन ही बंधन का कारण है। चित्त शुद्धि ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है। जैसे चित्त या मन ही बंधन का कारण माना गया है, उसी प्रकार चित्त शुद्धि को मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। इसी प्रकार इसके सातों प्रपाठकों का वन्य विषय कुछ निम्न प्रकार है। प्रथम प्रपाठक ब्रह्म यज्ञ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकयन्य द्वारा उसे उपदेश। दूसरा कौन है? द्वितीय प्रपाठक, उसमें शाकयन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। तीसरा प्रपाठक जो है जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन और कर्मफल और पुनर्जन्म। कर्मफल और पुनर्जन्म ये तृतीय प्रपाठक का विषय है। चतुर्थ प्रपाठक है ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय। पंचम प्रपाठक कौशायनी स्तुति, ब्रह्म की नाना रूपों में स्थिति। और षष्ठ प्रपाठक जो है ओम प्रणव उद्गीत और गायत्री की उपासना। आत्मयज्ञ का वर्णन, षडंग योग, शब्द ब्रह्म, निर्विषय मन से मोक्ष की प्राप्ति। सप्तम प्रपाठक क्या है? आत्मस्वरूप वर्णन आदि समुल्लेखित है। सामवेद के
आरण्यक कौन है? वैदिक साहित्य में सामवेद की 1000 शाखाएं बताई गई है, किंतु काल क्रम वशात आज कुछ ही शाखाएं उपलब्ध है। वर्तमान में अतीतगत दृष्टि से और इन ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पहला है तवलकार आरण्यक, दूसरा है छांदोग्य आरण्यक, ये दो आरण्यक उपलब्ध है। तवलकर आरण्यक ये पहला है, यह सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक है। इसको जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1931 में एच अटल ने किया था। इसमें 4 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाद और खंड है। चतुर्थ अध्याय के 10 अनुवाद में प्रख्यात तवलकार या केन उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथों के वर्णन में इसका उल्लेख किया गया है। तवलकार आरण्य के प्रधान विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय निम्न रूप में रेखांकित कर सकते हैं, जो कि पहला कौन है? ओम और गायत्री का महत्व। ओम परम ज्ञान और बुद्धि का कारण है। ओम से गायत्री की उत्पत्ति हुई है, गायत्री से ही प्रजापति और देवों ने अमृता प्राप्त की। तद एतदमृतम गायत्रम एतेन वै प्रजापतिर अमृतत्वम अगच्छत्। एतेन देवाः एतेन ऋषयः ब्रह्मा उ गायत्री। गायत्री के रूप में यह पवित्र ज्ञान सर्वप्रथम कश्यप ऋषि को प्राप्त हुआ। गायत्री की उपासना करनी चाहिए। वेदों से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें वर्णन है कि सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ वेदों से हुआ। अतिमानवीय शक्ति प्राप्त करना, इसमें अति मानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए कतिपय साधनाओं का उल्लेख है, जैसे अर्धरात्रि में श्मशान साधनादि। चौथा है प्राचीन धार्मिक मान्यताएं। इसमें कतिपय प्राचीन धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख है, जो अन्य ब्राह्मणों में अप्राप्य है, जैसे प्रेतात्माओं द्वारा साधकों का मार्ग निर्देश एवं मृत व्यक्तियों का पुनः प्रकट होना आदि। सामगान के तत्वों की व्याख्या, इसमें सामगान की तत्वों की आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। प्राचीन भाषा और शब्दावली, इसमें प्राचीन भाषा प्राचीन व्याकरण संबंधी रूप और प्राचीन शब्दावली प्राप्य है। देव शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक तथ्य, इसमें
देव शास्त्र से संबद्ध अनेक आख्यान दिए गए हैं, अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी इसमें सन्निहित है। छांदोग्य आरण्यक, इसके बाद आता है छांदोग्य आरण्यक। यह साम वेद के तांड्य ब्राह्मण से संबद्ध आरण्यक है। सत्यव्रत साम श्रमी ने 1878 ई में साम वेद आरण्यक संहिता नाम से इसको प्रकाशित किया था। छांदोग्य उपनिषद का प्रथम भाग छांदोग्य आरण्यक है। इसमें सामन और उद्गीत के धार्मिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय और प्रतिपाद्य विषयों को छांदोग्य आरण्यक का प्रतिपाद्य समझ लेना चाहिए। अथर्ववेद के आरण्यक, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। संप्रति वर्तमान साहित्य में मात्र 2 संयुक्त शाखाओं का प्रचलन स्वीकार किया गया है, किंतु केवल 1 ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण का ही नाम उल्लेख है। वस्तुतः अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है, गोपथ ब्राह्मण के ही ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों को आरण्यक कह सकते हैं। ऐसा डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने वैदिक साहित्य एवं संस्कृत ग्रंथ में उद्धृत किया है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, 1 मिनट के बाद बोलूंगा। गोपथ आरण्यक, गोपथ आरण्य के पूर्व के 1 से 5 प्रपाठक के कतिपय अंश तथा उत्तर के 1 से 6 प्रपाठक के कुछ अंश को पढ़ने पर आरण्यक विषय की प्रतीति होती है तथा ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ की अत्यंत सन्निकटता से भी प्रतीति की परिपुष्टि दृष्टिगोचर होती है। हो सकता है इसी आधार को मानकर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने गोपथ ब्राह्मण के कुछ अंश पर विचार करते हुए गोपथ आरण्य की चर्चा की है। अन्य अतीतविदों के अनुसार वस्तुतः अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है। चलिए, जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उस सब का सारांश के रूप में हम सुनेंगे। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। आरण्यक जो है, ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, यानी कि आरण्यक दोनों को जोड़ता है। संहिताओं का अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथ है और इनमें यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का
जो अंकुरण हुआ है उसका पल्लवित रूप आरण्यक ग्रंथ है। आरण्य में इसका पठन पाठन होने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं। आरण्यकों में आत्मविद्या, तत्व चिंतन और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। प्राण विद्या के अतिरिक्त प्रतीकोपासना, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिकता का वर्णन करने से आरण्यकों की विशेष महत्ता है। वैदिक संहिताओं के पश्चात क्रम में आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं एवं ब्राह्मणों के बाद आरण्यक आते हैं और उसके बाद उपनिषद। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक है। एक और आरण्यक ब्राह्मणों के परिशिष्ट के रूप में ही है तो दूसरी और उपनिषद आरण्यों के अंश है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरण्यकों का प्रारंभिक भाग ब्राह्मण है और अंतिम भाग उपनिषद है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इतने मिश्रित है कि उनके मध्य किसी प्रकार की सीमा रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। वेदों और इन ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता भिन्न भिन्न ऋषि हैं। अतः आरण्यकों के रचयिता ब्राह्मण के रचनाकार ही माने जाते हैं। आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय है आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान आदि है। आरण्यकों में यज्ञों का आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन किया गया है। आरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। यहां प्राण को काल चक्र बताया गया है। दिन और रात्रि को प्राण एवं अपान बताया गया है। उपलब्ध आरण्यों की संख्या 6 है। आचार्य भगवत दत्त जी एवं आचार्य वाचस्पति गैरलोल ने समुपलब्ध आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। ये कुछ इस प्रकार है। ऋग्वेद के आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक, बृहदारण्यक, यह माध्यम दिन और कान दोनों शाखाओं में प्राप्त है। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक, तैतिरीय आरण्यक, मैत्रेयिणी आरण्यक, सामवेद के आरण्यक कौन कौन है? तबलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। सामवेद की जैमिनी शाखा का तबलकार आरण्यक है। इसको जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद की कौथुम शाखा का पृथक आरण्यक नहीं है। ये आप लोगों ने जो पढ़ा उसके कुछ उपयोगी पुस्तकें हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य और संस्कृति किसने रचना किया है? आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान रविंद्रपुरी वाराणसी। दूसरा है वैदिक साहित्य और संस्कृति
आचार्य वाचस्पति गहिरवला, ये संवर्तिका प्रकाशन प्रयागराज है। इस प्रकार कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम उल्लेखित किया गया है और उसके उपरांत अभ्यास प्रश्न भी दिया गया है जिसको आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। चौथा इकाई है उपनिषद, चौथा इकाई उपनिषद है। इस इकाई की कुछ रूपरेखा बताया गया है, जैसे उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना है, उपनिषद का परिचय बताया गया है, ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में, यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में, सामवेद के उपनिषद के बारे में, अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में, और अंत में सारांश कुछ उपयोगी पुस्तकों के बारे में जानकारी और अंत में अभ्यास प्रश्न। चलिए इसका उद्देश्य पढ़ें, क्या है इसका उद्देश्य, क्या उपनिषद के बारे में जानकर क्यों लें। इस इकाई के अध्ययन करने से आपको क्या लाभ होगा, उपनिषद शब्द के व्युत्पत्तिगत अर्थ से परिचय होंगे, उपनिषद किसे कहते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। वैदिक साहित्य ही उपनिषदों की पृष्ठभूमि है, इससे भी आप परिचित होंगे। उपनिषदों के रचना काल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। प्रमुख उपनिषदों पर कृत भाष्य और अनुवाद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वेदानुसार उपनिषदों के संख्या से आप परिचित होंगे, उपनिषदों के महत्व को जान सकेंगे, उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक वाङ्मय में उपनिषदों के स्थान एवं तत्व से परिचित होंगे। तो चलिए पढ़ेंगे, पहला है प्रस्तावना। वैदिक साहित्य विश्व के प्राचीनतम साहित्यों की अप्रतिम, अकल्पनीय, अनुपम ज्ञान निधि है। वेद सर्व ज्ञान राशि सहित भारतीय धर्म संस्कार संस्कृति एवं वैदिक दर्शन के मूल उत्स है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान राशि इतनी दीर्घ है कि इनसे सहस्राधिक ग्रंथ निःसृत है। इस प्रकार वैदिक साहित्य के मूलभूत स्वरूप को जानने हेतु मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदानां अध्ययनम्, इस लक्षण के अनुसार मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ को वेद कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम वेद से जाने जाते हैं। इस ज्ञान निधि को वैदिक वाङ्मय में तीन भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन है, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है उपनिषद। कुछ स्थान पर इनके चार भाग भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। इन विभागों में क्रमशः कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड है। कर्मकांड संहिता और ब्राह्मण में निहित है, उपासना कांड आरण्यक का विषय है और
ज्ञान कांड उपनिषद में सन्निहित है। प्रस्तुत इकाई में आप सभी उपनिषदों के विषय में विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। चलिए उपनिषदों का परिचय के बारे में कुछ पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। उपनिषद शब्द उप नि षद क्विप अर्थात उप और नि उपसर्ग पूर्वक शद्रलू गतो धातु से क्विप प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है उप अर्थात समीप, नि अर्थात निश्चय से या निष्ठा पूर्वक, सद अर्थात बैठना। अर्थात शद्रलो धातु का अर्थ बैठना भी होता है। अतः तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। आचार्य शंकर ने कठोपनिषद के भाष्य प्रस्तावना में उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या का द्योतक माना है। उन्होंने उपनिषद शब्द की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है। सद्धातु के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ है विशरण अर्थात नाश होना, जिसमें संसार की मूलभूत अविद्या का नाश होता है, उसे क्या कहते हैं? विशरण। दूसरा कौन है? गति अर्थात प्राप्त करना या जानना, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है, उसे कहते हैं गति। उसके उपरांत आता है अवसादन अर्थात शिथिल होना, जिससे मनुष्य के दुख या बंधन शिथिल होते हैं, उसे अवसादन कहा जाता है। इस प्रकार से आचार्य शंकर ने उपनिषदों के अध्ययन से अविद्या का नाश, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और उसका ज्ञान तथा सांसारिक दुख निरोध, इन तीनों अर्थों को लेकर उपनिषद को ब्रह्म विद्या स्वीकार किया है। ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। अमर कोशकार ने उपनिषद शब्द का अर्थ धर्मे रहस्य उपनिषद लिखा है। इनके अनुसार उपनिषद शब्द गूढ़ धर्म एवं रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे उपनिषदों का महत्व। वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक सूक्तों में जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारूप मिलता है, उसका विकसित रूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है। ये उपनिषद ग्रंथ ही भारतीय तत्व ज्ञान एवं धार्मिक सिद्धांतों के मूल स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन कहकर व्यास जी ने सिद्ध कर दिया कि उपनिषदों का महत्व संस्कृत साहित्य में कितना रहस्यपूर्ण है। उपनिषदों के महत्व का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है।
कि देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया है। उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में प्राप्त ज्ञान और अनुभव का सार डाला है। जीवन के सभी आध्यात्मिक दार्शनिक विचार और चिंतन उपनिषदों में है। उपनिषदों से प्राप्त ज्ञान सदैव शाश्वत और सनातन है। यह जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है, जिससे हम जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है तथा प्रस्थान त्रयी कौन है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये प्रस्थान त्रयी में इनका स्थान है। उपनिषदों का रचना काल कब रचना किया गया था उनके, इसके बारे में फिलहाल पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम सीमा बिंदु है। हमें उपनिषदों के रचना संदर्भ में कुछ पक्षों पर अवश्य मंथन करना चाहिए। प्रथम पक्ष, वैदिक काल निर्धारण करता भारतीय तथा पाश्चात्य मनीषियों ने जो समय वेदों के रचना काल को बताया, वे ब्राह्मण ग्रंथ का जो रचना काल लिखा है वही हमें प्रामाणिक रूप से उपनिषद काल मानना चाहिए। जैसा कि स्वामी दयानंद एवं श्री रघुनंदन शर्मा सृष्टि के प्रारंभ से वेदों का आविर्भाव मानते हैं। द्वितीय पक्ष क्या कहते हैं? द्वितीय पक्ष कहते हैं श्री बाल गंगाधर तिलक महोदय कृति का काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल माना है। श्री शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ने 2500 ईसा पूर्व लिखा है। पाश्चात्य वैदिक अध्येता मैक्स मुलर ने 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को ब्राह्मण ग्रंथ का रचना काल माना है। यहाँ बार बार ब्राह्मण ग्रंथों का काल देने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि जो काल इनका था वही समय उपनिषदों का था, क्योंकि उपनिषद ब्राह्मण के अंतिम भाग है। तृतीय पक्ष, प्रोफेसर वैद्य ने मैत्रायणीय उपनिषद में उद्धृत कुछ ज्योतिषीय बिंदुओं को लेकर उपनिषद काल निर्धारण करने को कहा है। श्री बाल गंगाधर तिलक महोदय ने मैत्रायणीय उपनिषद का काल 1900 पूर्व से लेकर माना है। प्रोफेसर रानाडे ने उपनिषद काल को ठीक ठीक निश्चित करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए इसकी दो सीमाएं निर्धारित की है। पहला है पूर्व सीमा 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन भाग में प्रारंभिक
और प्रामाणिक जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है उन उपनिषदों का रचना काल 700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व अथवा ईसा से 500 वर्ष पूर्व माना है तथा 108 उपनिषदों में से पहले की 13 छोड़कर शेष को उत्तरकालीन माना है और इनमें भी कुछ उपनिषदों का रचना काल 14वीं या 15वीं शताब्दी हुआ ऐसा लिखा है। चतुर्थ का क्या कहना है, उपरोक्त के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथों से भी उपनिषद काल निर्धारण किया जा सकता है। उपनिषदों में अनेक स्थलों पर विदेह, जनक, कैकेय, अश्वपति, पांचाल, प्रवहन, यम, नचिकेता और काशीराज अजातशत्रु आदि का वर्णन मिलता है। महर्षि पाणिनि 500 ईसा पूर्व उपनिषद का रचना काल मानते हुए अष्टाध्यायी सूत्रों में उपनिषदों का उद्धरण दिया है। इन राजाओं तथा ग्रंथकार पाणिनि के समय को भी चिन्हित कर उपनिषद काल प्रामाणिक रूप से माना जा सकता है। उपनिषद रचना काल के संदर्भ में विस्तृत ज्ञान के लिए गीता प्रेस कल्याण उपनिषद अंक तथा भारतीय दर्शन का इतिहास एवं वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य का इतिहास मंथन किया जा सकता है। उपनिषदों के रचयिता कौन कौन है इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित तथ्यों के आधार पर उपनिषदों का रचयिता उन्हें मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए जिन ऋषियों ने वेद के भिन्न भिन्न शाखाओं को अनेक शिष्यों में वितरित किया, जो कालांतर में उन शिष्यों के नामानुसार वेद के पृथक पृथक शाखा रूप में प्रचलित हुई। अतः उपनिषद वाङ्मय के रचनाकर्ता इन शाखाओं से संबंधित ऋषि ही है, ऐसा इस कारण भी मानना चाहिए क्योंकि प्रायः उपनिषदों के नाम और अंदर के प्रतिपाद्य विषयों से भी स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है इसके बारे में जरूर सुनेंगे। उपनिषद तर्क प्रधान ग्रंथ है। उपनिषद तर्क प्रधान ग्रंथ है। वैदिक ऋषियों की बौद्धिक शक्ति की पराकाष्ठा उन्हीं के द्वारा प्रकाश में आई है। उपनिषदों के तर्क का अपना मौलिक आधार है। उपनिषदों में इस प्रकार के तर्क द्वारा वस्तु की यथार्थता का दिग्दर्शन कराने का कारण भी विद्यमान है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय को स्पष्ट करने के लिए सहज एवं सरल उपाय
या उत्तर नहीं है। आत्मविद्या के प्रसंग में अतिशय महत्व स्वीकार किया जाता है, यथा विद्या अविद्या श्रेयस प्रेयस ओम आचार्य शिष्य अधिकारी शांति ब्रह्म विद्या अग्नि विद्या मन बुद्धि योग संयम बंधन कामना प्राण आदि है। वस्तुतः देखा जाए तो उपनिषद वेदों की विचार प्रधान संस्कृति के ही व्याख्यान है। वेद के चार भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहला है संहिता। संहिता में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र है। संहिता भाग जो है उसमें वैदिक देवी देवताओं की स्तुतियों के मंत्र है। दूसरा कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण में वैदिक कर्म कांड और यज्ञों का वर्णन है। तीसरा है आरण्यक। आरण्यक में कर्म कांड और यज्ञों की रूपक कथाएं और तत्संबंधी दार्शनिक व्याख्याएं हैं। चौथा है उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। उपलब्ध उपनिषदों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देके सुने। वैदिक वाङ्मय के मतानुसार शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों को प्रामाणिक माना है तथा उन पर पांडित्यपूर्ण भाष्य भी लिखा है। मुक्तिक उपनिषद ने भी दशोपनिषदम पठ के द्वारा प्रामाणिक उपनिषदें 10 मानी है तथा इनके नाम कुछ इस प्रकार है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तिधिरी एतरेयम् च छांदोग्यम् बृहदारण्यकम् तथा। अर्थात ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैतिरीयोपनिषद, एतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद है। इसके अतिरिक्त कौशितकी उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद भी प्राचीन माने जाते हैं, क्योंकि आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में कौशितकी उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद के उद्धरण दिए हैं। अतः इन दो को लेकर प्राचीन उपनिषदों की संख्या 12 और तृतीय मैत्रायणी उपनिषद को लेकर 13 मानी जाती है। वैदिक साहित्यानुसार उपनिषदों की संख्या के विषय में मतभेद देखने को मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108 से 223 तक मानी जाती है।
108 से 223 तक मानी जाती है। मुक्ति को उपनिषद 108, उपनिषद वाक्य महाकोश 223, अड्यार लाइब्रेरी मद्रास से लगभग 200 उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन के इतिहास ग्रंथ में सन 1917 में निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित उपनिषदों के अनुसार इनकी संख्या 112 मानी है, परंतु स्पष्टतया 108 उपनिषदों का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। इस उपनिषद में दो अध्याय हैं, जिनमें प्रथम अध्याय के 56 मंत्रों में ऋग्वेद से 10, शुक्ल यजुर्वेद से 19, कृष्ण यजुर्वेद से 32, साम वेद से 16, अथर्वेद से 31 उपनिषदों के नाम का उल्लेख किया गया है। मुक्तिकोपनिषदानुसार समग्र 100 उपनिषदें निम्नवत इस प्रकार उपनिषदों का नाम दिया गया है। एक बार हम कोशिश करते हैं वाचन करने के लिए, आप लोग ध्यान दे करके सुने। ईस केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्या तितिरः तितिरीम एतरेयम् च छांदोग्यम् बृहदारण्यकम् तथा ब्रह्म कैवल्य जावाले श्वेतासो हंस आरुणीम गर्भो नारायणो हंसो बिंदुर्नाद शिरशिखा मैत्रायणी कौशीतकी बृहज्जावालतापनी कालाग्नी रुद्र मैत्रेयी शुभालक्ष्यूरिमंत्रिका सर्वसारं निरालंबं रहस्यं वज्रसूचिकं तेजोनाद ध्यान विद्या योग तत्वात्मबोधकं परिभ्राट त्रिशिखी सीता चूड़ा निर्वाण मंडलम दक्षिणा सर्वं स्कंदं महानारायण यवं रहस्यं राम तपनं वासुदेवं च मुद्गलं शांडिल्यं पैंगलं भिक्षुमहत् शारीरिकं शिखां तुरीयातीत संन्यास परिव्राजाक्षमालिकां अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूर्याक्षाध्यात्मकुंडिकां सावित्र्यात्मा पाशुपतं परम ब्रह्मावधूतकम् त्रिपुरा तपनम देवी त्रिपुरा कंठ भावना हृदयम् कुंडली भस्म रुद्राक्ष गण दर्शनम् तारसार महावाक्य पंच ब्रह्माग्निहोत्रकम् गोपाल तपनम कृष्ण याज्ञवल्क्यम् वराहकम् सात्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुड्यं कलीजा वलिशौभाग्य रहस्य रुच मुक्तिका। अर्थात ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतिरीय एतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक ब्रह्म कैबल्य जाबाल श्वेताश्वतर हंस आरुणिक गर्भ नारायण परमहंस अमृत बिंदु अमृत नाद अथर्व शिरस
अथर्वशिखा मैत्रायणी कौशीतकी वा ब्राह्मण बृहज्जावाल नृसिंहतापनीय कालाग्नि रुद्र मैत्रेयी शुभाल शुरीका यंत्रिका सर्वसारे निरालंब शूक रहस्य वज्र सूचिका तेजो बिंदु नाद बिंदु ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व आत्म प्रबोध नारद परिव्राजक त्रिशीख ब्राह्मण सीता योग चूड़ामणि निर्वाण मंडल ब्राह्मण दक्षिणामूर्ति सरभ स्कंद त्रिपाद विभूति महानारायण अद्वय तारक राम रहस्य राम तापनीय वासुदेव मुद्गल शांडिल्य पिंगल भिक्षक महा शारीरक योग शिक्षा तुरीयातीत संन्यास परमहंस परिव्राजक अक्षमाला अव्यक्त एकाक्षर अन्नपूर्णा सूर्य अक्षी अध्यात्म कूड़रीक सावित्री आत्मा पाशुपत परम ब्रह्म अवधूत त्रिपुरा तापनीय देवी त्रिपुरा कठरुद्र भावना रुद्र हृदय योग कुंडली महावाक्य पंच ब्रह्म प्राणाग्निहोत्र गोपाल तापनीय कृष्ण याज्ञवल्क्य वराह साट्यायनीय हयग्रीव दत्तात्रेय गरुड़ कलिसंतरण जावाली सौभाग्य लक्ष्मी भस्म जावाल रुद्राक्ष जावाल गणपति जावाल दर्शन तारसार सरस्वती रहस्य बहुज मुक्ति गोपनिषद है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसके साथ इन चार को भी लिखा है निर्णय सागर प्रेस के अनुसार। कौन है ये चार? नारायणोत्तर नृसिंहोत्तर तापिनी रामोत्तर तापिनी गोपालोत्तर तापिनी। इनको लेकर 112 उपनिषदें हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे प्रमुख उपनिषदें और इनका भाष्य तथा अनुवाद। आचार्य शंकर ने ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतिरीय एतरेय छांदोग्य एवं बृहदारण्यक सहित 10 प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखा है जिन्हें शंकर भाष्य के नाम से जाना जाता है तथा भाष्यों में श्वेताश्वतरोपनिषद मैत्रायणीयोपनिषद और कौशीतकीयोपनिषद का उल्लेख करने के कारण प्रमुख उपनिषदों उपनिषदी 13 है। उपरोक्त 13 उपनिषदों को मुख्य मानकर पाश्चात्य विद्वान ह्यूम ने सन 1821 में
अंग्रेजी अनुवाद किया है शाहजहां के पुत्र एवं औरंगजेब के बड़े भाई दाराशी कोह ने भी लगभग 50 उपनिषदों का सन 1656 से 57 में फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इस फारसी अनुवाद को फ्रेंच यात्री वर्नियर अपने साथ फ्रांस ले गया, जिसे एनकोटिल ड्यूरेन ने 1775 ईसा में प्राप्त कर लिया और उसने उसके दो अनुवाद किए, एक फ्रेंच भाषा में और दूसरा लैटिन भाषा में। फ्रेंच अनुवाद तो प्रकाशित न हो सका, किंतु लैटिन अनुवाद सन 1801 से 1802 में औपनिखत नाम से प्रकाशित हुआ। फारसी अनुवाद के आधार पर सन 1720 में इसका हिंदी अनुवाद हुआ, जिसका नाम है उपनिषद भाष्य रखा गया। मैक्स मुलर ने सन 1879 से 1884 के मध्य सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट ग्रंथमाला में 12 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इसके पश्चात जर्मन विद्वानों ने सन 1882 से 1899 तक एफ मिशर तथा बोथलिक तथा सन 1897 में पाल ड्यूशन ने जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त भारतीय विद्वानों में सन 1832 में राजा राम मोहन राय ने कुछ उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया तथा सीताराम शास्त्री और गंगानाथ झा ने सन 1898 से 1901 के मध्य 8 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त और भी विद्वानों ने यूरोपीय भाषाओं में उपनिषदों का अनुवाद किया है, जिसके द्वारा इसका प्रचार प्रसार हो गया। ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में अभी पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य अनुसार ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषद हैं। ऐतरेय, कौशितक की नार नाद बिंद्वात्म प्रबोध निर्वाण, मुद्गला क्षमालीका त्रिपुरा सौभाग्य वृचा, नाम ऋग्वेद गता नाम दश संख्या का नाम उपनिषदाम। कौन कौन है? ऐतरेय, कौशितकी, नाद बिंदु, आत्मबोध, निर्वाण,
मुदगला अक्षमालिका त्रिपुरा सौभाग्य ब्रह्मरुचा यहाँ प्रमुख उपनिषदों के वन्य विषय पर अभी प्रकाश डाला जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एतरेय उपनिषद यह एतरेय आरण्य का एक अंश है। एतरेय आरण्य के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पंचम और षष्ठ खंड ही एतरेय उपनिषद है। इस प्रकार इसमें कुल तीन अध्याय है। प्रथम अध्याय में बताया गया है कि परमात्मा के ईक्षण शक्ति से सृष्टि हुई है, शरीर में सभी देवों का निवास है, शरीर में सभी देवों का निवास है, शरीर में व्याप्त ब्रह्मा के दर्शन से ही जीवात्मा का नाम इंद्र पड़ा। द्वितीय अध्याय में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है और कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जन्म का वर्णन है। तृतीय अध्याय में प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अध्याय है। मन ही ब्रह्म इंद्र और प्रजापति है। मन के ही विभिन्न नाम है विज्ञान प्रज्ञा ध्रुति मति मनीषा स्मृति संकल्प काम प्राण आदि। चतुर्विध सृष्टि कौन कौन है? अंडज यथा पक्षी आदि, जरायुज जैसे कि मनुष्य आदि, श्वेदज जैसे कि जो कहते हैं जू आदि, और उद्भिज जिसको कहते हैं वृक्ष आदि वर्णित है। कौशितकी उपनिषद यह कौशितकी ब्राह्मण से संबंध है। कौशितकी ब्राह्मण से संबंध कौशितकी आरण्यक है। इसका अपरा नाम शांखायन आरण्यक है। इसी आरण्यक के तीन से छह अध्याय तक को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। इसमें कुल चार अध्याय है। इसको कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद कहते हैं। प्रथम अध्याय में मृत्यु के बाद जीवात्मा के प्रयाण के देव यान और पितृयान नामक मार्गों का वर्णन आदि प्रासंगिक विषय है। द्वितीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक प्राण के स्वरूप का विवचन है। प्राण ही ब्रह्म है और मन प्राण रूपी ब्रह्म का दूत है, नेत्र रक्षक है, श्रोत्र द्वारपाल है और वाणी दासी है। जो इनके स्वरूप को जानता है वही इंद्रियों पर अधिकार रख सकता है आदि विषय। ये सारे विषय यहाँ पर प्रतिपादित है। तृतीय अध्याय में इंद्र प्रतर्दन को प्राण और प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। इसी प्रसंग में प्राण तत्व का विशद विवेचन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में काशीराज अजात शत्रु बलाका को परब्रह्म का उपदेश देते हैं। गार्ग्य गर्ग गोत्र में उत्पन्न गार्ग्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो बलाका के पुत्र थे। इसके आगे पढ़ेंगे हम सब यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में।
वैदिक साहित्य अनुसार शुक्लत्व कृष्णत्व भेद से यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है। अतः विभक्तानुसार इस वेद से संबंधित प्राप्य उपनिषद निम्नवत है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 उपनिषदें हैं, जैसा कि ईशावास्य बृहदारण्य जावालम शपरमहम शशुवालम मंत्रिका निरालंब त्रिशीखी ब्राह्मण मंडल ब्राह्मणा द्वय तारकम पिंगल भीक्षु तुरियातीता अध्यात्म तार सार याज्ञवल्क्यम सात्यायनी मुक्तिकानाम शुक्ल यजुर्वेद गतानाम एकोनविंशति एष बृहदारण्यक जाबाल हंस परमहंस शुबाल मांत्रिक निरालंब त्रिशीख मंडल ब्राह्मण अद्वय तारक पैंगल भिक्षुक तुरियादित अध्यात्म तारसार याज्ञवल्क्य शाट्यायनी मुक्तिक। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 उपनिषदें हैं, जैसा कि कठ बल्लि तैत्तिरीय ब्रह्मा का वल्य श्वेता सुतर गर्भ नारायणामृत बिंदु मृत नाद कालाग्नि रुद्र क्षुरिका सर्वसार सुख रहस्य तेजो बिंदु ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व दक्षिणामूर्ति स्कंध शारीरक योगो शिखेकाक्षर अक्षावद्धुत कंठ रुद्र हृदय योग कुंडलिनी पंच ब्रह्म प्राणाग्नि प्राणाग्नि होत्र वराह कलिशत रण सरस्वती रहस्यानां कृष्ण यजुर्वेद गत्तानां द्वात्रिंश संख्याकानुपनिषदां। कठ तैत्तिरीय ब्रह्म कैवल्य श्वेतासुतर गर्भ नारायण अमृत बिंदु अमृत नाद कालाग्नि रुद्र क्षुरिक सर्वसार शुक रहस्य तेजो बिंदु ध्यानी बंधु ब्रह्म विद्या योग तत्व दक्षिणामूर्ति स्कंद शारीरक योगी शखा एकाक्षर अक्षी अवधुत कठरुद्र रुद्र हृदय योग कुंडलिना पंच ब्रह्म प्राणाग्निहोत्र वराह कील संतरण सरस्वती रहस्य। यहाँ प्रमुख उपनिषदों के वन्य विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा का अंतिम 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। इसमें कुल 18 मंत्र है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं से प्रारंभ होता है, अतः इसका नाम ईशा ईशोपनिषद पड़ गया है। इसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। निष्काम कर्म परमार्थ ज्ञान की प्रधानता, कर्म और ज्ञान का समन्वय
और ईश्वर की सर्वव्यापकता इसका प्रतिपाद्य विषय है। यह लघुकाय किंतु महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह ज्ञान कर्म और उपासना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है, अतः इसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। ईशावास्योपनिषद को संपूर्ण गीता का मूल माना जाता है। और दूसरा कौन है? बृहदारण्यकोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन एवं कान्व शाखा से संबंध शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्यायों को ही बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। इसमें आरण्यक और उपनिषद का सम्मिश्रण होने से यह नाम पड़ा है। इसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों कह सकते हैं। इसमें कुल 6 अध्याय है। यह आकार में सबसे विशाल उपनिषद है। यह अध्यात्म शिक्षा से ओतप्रोत है। प्रथम अध्याय में क्या बताया गया है? तो कह रहे हैं, ये प्रथम अध्याय में यज्ञ अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, मृत्यु का विकराल रूप और प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में गार्ग्य और काशीराज अजात शत्रु का संवाद, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी कात्यायनी एवं मैत्रेयी का संवाद, ब्रह्म के 2 रूप मूर्त अमूर्त आदि का वर्णन है। तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है जनक के सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, साथ में याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपक्षियों को पराजित करना। चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य द्वारा राजा जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश है। इसमें पुनः याज्ञवल्क्य या संपत्ति विभाजन का वर्णन, मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का उपदेश आदि है। पंचम अध्याय में प्रजापति द्वारा देव, मनुष्य और असुरों को द द द का उपदेश, ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन, प्राण ही वेद रूप है और गायत्री के विभिन्न रूपों का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में प्रजापति द्वारा देव, मनुष्य और षष्ठ अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवहन, जैवली और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद, पंचाग्नि, मीमांसा एवं ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन आदि है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। पहला उपनिषद है कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित होने के कारण इसका नाम हुआ है कठोपनिषद। इसमें 2 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 3 खंड है। खंड को वल्ली कहते हैं। इस उपनिषद में यम और नचिकेतय के संवादों का वर्णन है। तैतिरीय उपनिषद। तैतिरीय आरण्यक के अंतिम 3 प्रपाठकों को ही तैतिरीय उपनिषद कहा जाता है। प्रपाठकों के
नामों में परिवर्तन कर दिया गया है। संहितोपनिषद को शिक्षावल्ली वारुणी उपनिषद को क्रमशः ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली नाम दिया गया है। इसमें तीन प्रपाठकों के स्थान पर तीन वल्ली, वल्ली का मतलब होता है अध्याय, तो तीन अध्याय है। इसमें अध्यायों को वल्ली कहा गया है। इसका प्रथम अध्याय शिक्षा वल्ली, द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली और तृतीय अध्याय भृगुवल्ली है। प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, शाम और संतान का विवेचन है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, शाम, संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के प्रकार भी दिए गए हैं। आचार्य अपने शिष्य को कैसे अनुशासित करता है यह भी बताया गया है। द्वितीय अध्याय में ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मा के स्वरूप को बताया गया है। ब्रह्मा को आनंद कहा गया है। समस्त सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा की प्राप्ति से परमानंद की प्राप्ति होती है। इसमें पांच कोशों हैं। कौन कौन है? अन्न, प्राण, मन, विज्ञान तथा आनंद। इन पांच कोशों का भी वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय भृगुवल्ली में भृगु और वरुण का संवाद है। यहां भी ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया है तथा पंचकोश के विराट रूप का भी वर्णन है। उसके बाद आता है मैत्रायणी उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता से संबंधित है। प्राचीनतम उपनिषदों की भांति यह गद्यबद्ध है। इसमें कुल सात अध्याय है, जिनमें षष्ठ अध्याय के अंतिम आठ प्रपाठक और सप्तम अध्याय परिशिष्ट रूप में है। इसमें योग के अष्टांगों का विवेचन तथा हठ योग के मंत्र सिद्धांतों का विवरण प्राप्त होता है। इसका मुख्य विषय आत्म रूप का विवेचन है। इसमें भेद विरोधी संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। इस उपनिषद का विषय विवेचन तीन प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये तीन प्रश्न कौन कौन है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। प्रथम प्रश्न है कि आत्मा भौतिक शरीर में किस प्रकार प्रवेश पाता है। आत्मा, ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर में किस प्रकार प्रवेश पाता है। इसका उत्तर दिया गया है कि स्वयं प्रजापति ही स्वरचित शरीर में चेतनता प्रदान करने के उद्देश्य से पंच प्राण वायु के रूप में प्रविष्ट होता है। द्वितीय प्रश्न है कि यह परमात्मा
किस प्रकार भूतात्मा बनता है, इस प्रश्न का उत्तर सांख्य सिद्धांतों पर आधारित है। आत्मा प्रकृति के गुणों से पराभूत होकर अपने को भूल जाता है, तदनंतर आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तृतीय प्रश्न क्या है? तृतीय प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इस दुखात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है? इस प्रश्न का समाधान स्वतंत्र रूप से दिया गया है। क्या है? ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले वर्ण धर्म के अनुयायी व्यक्ति ही ज्ञान तप और निधिध्यासन से ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण युग के प्रधान देवता अग्नि, वायु और सूर्य तीन भाव रूप सत्ताएं काल, प्राण और अन्न तथा तीन लोकप्रिय देवता कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी ब्रह्मा के रूप बताए गए हैं। इस उपनिषद का अंतिम भाग परिशिष्ट रूप है, जिसमें विश्व की सृष्टि का उपाख्यान वर्णित है। इसमें प्रकृति के सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों का ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से संबंध बताया गया है। इसमें ऋग्वेदिक एवं सांख्य के सिद्धांतों का समन्वय है। उसके बाद श्वेता स्वतरोपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देकर के सुने। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध श्वेता स्वतर संहिता का एक अंश है। यह कठोपनिषद के बाद की रचना है, क्योंकि उससे बहुत सा अंश इसमें लिया गया है। यहाँ तक कि कुछ वाक्य जो के क्यों प्रस्तुत है, कुछ इसमें कुल 6 अध्याय है, उन अध्याय के बारे में संक्षिप्त रूप में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय में हंस, त्रैतवाद, माया, क्षर अक्षर, सत्य और तप से आत्मा दर्शन है। द्वितीय अध्याय में क्या है? योग, योग विधि, ब्रह्म तत्व का विस्तृत विवेचन है। तृतीय अध्याय में रुद्र, विश्व रूप, जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वर्णित है। चतुर्थ अध्याय में एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया, माई, शिव, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। पंचम अध्याय में क्षर अक्षर, कपिल, ऋषि, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति एवं जीव का नियंता एवं गुरु भक्ति प्रतिपादित है। इसमें भक्ति तत्व का विवेचन, सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के साम्यावस्था ही प्रकृति है। यह प्रकृति ही ब्रह्म की माया का दूसरा रूप है। इसमें प्रकृति को माया
और महेश्वर को माई कहा गया है। क्या वह माया वेदांत की माया से भिन्न है? वेदांत के अनुसार जगत मिथ्या है, किंतु इस उपनिषद में जगत के मिथ्यात्व की कल्पना नहीं है। कल्पांत में ब्रह्म के द्वारा ही जगत की सृष्टि और उसका प्रलय होता है। इस उपनिषद में शिव को परमेश्वर कहा गया है। यह शिव ही समस्त प्राणियों में व्याप्त है और उसके संबंध में ज्ञान होने पर समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सामवेद के उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक वाङ्मय मतानुसार मुक्ति को उपनिषद प्रतिपादित सामवेद से संबंधित 16 उपनिषदें निम्नवत है। येन छांदोग्यारोणी मैत्रायणी मैत्री जीव जीवज सूचिकायो गचूडामणि वासुदेव महत्सन्यासा व्यक्त कुंडिका सावित्री रुद्राख्य जाबाल दर्शन जाबालीनां सामवेदगतानां षोडश संख्याकानां उपनिषदानां अप्यायनिति शान्तिः। केन छांदोग्य आरुणेय मैत्रायणी मैत्रेय वज्रसूची योगचूडामणि वासुदेव महत् संन्यास अव्यक्त कुंडिक सावित्री रुद्राक्ष जावाल दर्शन जावाल। यहाँ प्रमुख उपनिषदों के वन्य विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। केन उपनिषद, इस उपनिषद को तवलकार उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड है। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक और शेष 2 गद्यात्मक है। प्रथम खंड में क्या विषय है तो उसके बारे में सुनेंगे। प्रथम खंड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप को बताए हुए पंच ज्ञानेन्द्रिय ब्रह्म से परे हैं, किंतु पंच कर्मेंद्रिय इसी की सत्ता से कार्य करती है, जिसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है कि चर्चा की गई है। द्वितीय खंड में ब्रह्म अवर्णनीय और अनिर्वचनीय ब्रह्म ज्ञान से जीवन सार्थकता तथा अज्ञान से निरर्थकता आदि की चर्चा है। तृतीय एवं चतुर्थ खंडों में उमा हैमवती के सुमधुर आख्यान सहित अन्य विषयों की भी चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तवलकार शिक्षा शाखा का छांदोग्य ब्राह्मण है, जिसमें 10 अध्याय है। प्रारंभ के 2 अध्यायों को छोड़कर शेष 8 अध्यायों को छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद में 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में अनेक खंड है। प्रथम अध्याय में 13 खंड, द्वितीय में 24 खंड, तृतीय में 19 खंड, चतुर्थ में
17 खंड, पंचम में 24 खंड, षष्ठ में 16 खंड, सप्तम में 26 और अष्टम अध्याय में 15 खंड है। इसमें गूढ़ दार्शनिक तत्वों का निरूपण आख्यायिकाओं के रूप में किया गया है। प्रथम अध्याय में ओम उद्गीथा एवं साम के गूढ़ रहस्यों का मार्मिक विवेचन है। द्वितीय अध्याय में ओम की उत्पत्ति पंचविद सामोपासना सप्तविद साम त्रैविद्या धार्मिक जीवन की तीन अवस्थाएं तथा ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य एवं यति धर्म का विवेचन है। इस अध्याय के अंत में शैव उद्गीत का विवेचन है। तृतीय अध्याय में वैश्वानर ब्रह्म का प्रतिपादन है जिसका व्यक्त रूप सूर्य है। सूर्य की देव मधुर रूप में उपासना गायत्री का वर्णन अंगिरस द्वारा देव की नंदन कृष्ण को अध्यात्म शिक्षा और अंत में अंड से सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में सत्य काम जावल की कथा व रैक्य का दार्शनिक तथ्य उपकौशल को जावल द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आदि का विस्तृत विवेचन है। पंचम अध्याय में बृहदारण्य के षष्ठ अध्यायों की दोनों कथाओं का एक प्रकार से आवर्तन है। इसमें श्वेत केतु और प्रवहान जैवली का दार्शनिक संवाद तथा कैकेय अश्वपति के सृष्टि विषय का तथ्यों का विशद वर्णन किया गया है, जिनमें 6 दार्शनिक विद्वानों के आत्म विषय चिंतनों का विवरण है। षष्ठ अध्याय में श्वेत केतु का आख्यान वर्णित है, जिसमें उद्दालक आरुणी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। श्वेत केतु ने वेदों का अध्ययन तो कर लिया किंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं सीखा था। तब उसके पिता अरुणी ने उस ब्रह्म से ही चराचर जगत की उत्पत्ति का वृतांत सुनाते हुए अन्न जल और तेज से मन प्राण और वाणी की उत्पत्ति बताई है। तदनंतर अरुणी ने श्वेत केतु से वट वृक्ष का फल तोड़ने को कहा। फल तोड़ने पर उसमें से नन्हे नन्हे बीज निकले। तब पिता ने उस बीज को भी फोड़ने को कहा। बीज के फोड़े जाने पर अरुणी ने कहा, पुत्र तुमने इसमें क्या देखा है? पुत्र ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब पिता ने पुत्र को समझाया कि पुत्र, जिस बीज के भीतर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसी में वह महान वट वृक्ष है। इसी प्रकार ब्रह्म में ही सारा चराचर जगत निहित है। तत्त्वमसि यह महावाक्य उपनिषदों के 4 महावाक्यों में एक है। इस महावाक्य की व्याख्या करते हुए आरुणी
श्वेत केतु से कहते हैं कि वह अणु जो शरीर में आत्मा है, सत है, सर्वात्मा है, वही आत्मा है, वही वह सत है। सत श्वेत केतु पुनः प्रश्न करता है कि वह आत्मा द्रष्टव्य क्यों नहीं होता है। इसका उत्तर देते हुए आरुणी कहते हैं कि जिस प्रकार जल में नमक डाल दिया जाए तो वह उसमें ऐसा घुल जाता है कि वह दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार आत्मा सब में व्याप्त है किंतु वह इस प्रकार उनमें घुल मिल गई है कि वो अलग से दिखाई नहीं देती है। सप्तम अध्याय उसमें बताया गया है कि नारद और सनत कुमार का वृत्तांत बताया गया है। नारद ब्रह्म विद्या की शिक्षा के लिए सनत कुमार के पास जाते हैं। सनत कुमार ने नाम, वाक, मन, संकल्पन, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण, आशा, प्राण में से प्रत्येक को उत्तरोत्तर बढ़कर बताया और कहा कि सब कुछ प्राण में ही समाहित है और प्राण के न रहने पर मनुष्य का यह लौकिक जीवन नहीं रह जाता। अंत में ब्रह्म के अंतिम रूप भूमन असीम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि भूमा ही सब कुछ है, यो वै भूमा तत् सुखम्, वही शरीर में स्थित आत्मा है। अष्टम अध्याय में शरीर और विश्व में स्थित आत्मा की तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भी निर्देश है। तृतीय अवस्था में ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। इस अध्याय के अंत में इंद्र और असुर राज विरोचन की कथा वर्णित है। इस आख्यान में आत्मा प्राप्ति के व्यावहारिक उपायों का संकेत किया गया है। अभी अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अथर्ववेद से संबंधित कुल मिला के 31 उपनिषद हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, बात होता है ना, 2 घंटा लगातार बोलने से ना मस्तिष्क थक जाता है। तो चलिए, आप लोग हमें ध्यान पूर्वक सुना, समझा, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग धैर्य पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे कि अथर्ववेद के जो 31 उपनिषदों के बारे में बताया गया है उसे हम कल पढ़ेंगे। आप सभी को एक तंत्र में धन्यवाद देता हूँ। फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे।